बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बना रहे हैं अच्छी सी, हम चार ना यूनिक तरीके की और अच्छी सी और खूबसूरत सी मिठाई बनाएंगे। सबसे पहले हमने चूल्हा जलाया और हमारे फ्राई पैन रख दिया हमने इसमें। हम बनाएंगे थोड़ी थोड़ी सी, आप लोग ज़्यादा थोड़ी बना सकते हैं। सबसे पहले हमने चूल्हा जलाया और फ्राई पैन रख दिया। अभी इसमें हमने सिर्फ दो चम्मच है ना, हमने ये घी डाल दिया। अब इसी के अंदर ये ना हमने एक इलायची डाल दी, क्योंकि हम थोड़ी बना रहे हैं। एक इलायची को खोल के इसमें हमने ये डाल, एक प्याली हमारी लौकी है, लौकी को हमने कद्दूकस करके और इसको हमने पानी में थोड़ी सी देर डाल दिया ताकि इसका कलर ख़राब नहीं हो। अब इसी में इसी के अंदर ही हमने हम आधा कप दूध डालेंगे। थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे। अब इसके इसी में हम तीन चम्मच ना हम चीनी डाल देंगे इसमें, थोड़ी ज़्यादा आप लोग कर सकते हो। अब हम इसको इतना पकाएंगे ताकि ये हमारी है ना लौकी भी गल जाए और लौकी का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए ना। 10 मिनट तक, 10 मिनट के बाद हमारी ये लौकी गल जाएगी और हम ना इसको थोड़ा सा फ्राई करके 10 मिनट के बाद मिलते हैं। एक मिनट ये हमारे 10 मिनट हो गए और हमारी लौकी बिल्कुल अच्छी तरह हमारी लौकी गल गई। अब इसी में है ना हम एक चम्मच खोया डाल देंगे, एक चम्मच खोया, एक चम्मच खोया डाला और ये दो चुटकी हम ना इसमें कलर डालेंगे ताकि हमारी ना खूबसूरत लगे ना लौकी। ये हमने दो चुटकी डाल के अभी हम इसको 5 मिनट है ना इसी तरह फ्राई करेंगे। ये हमारे ना बिल्कुल हमने सही तरह हमारी लौकी भी गल गई और हमारी अच्छी तरह भुनी गई। अब इसमें ना एक चौथाई चाय का चम्मच हम ना एक इलायची हमने पहले डाली थी और अभी है ना ये इसमें इलायची पाउडर डालेंगे एक चौथाई चाय का चम्मच डाल के ताकि इसकी और खुशबू इसके। अब हम इसको ना इसका खुशबू ताकि अच्छी आए। अब हम इसको ना भूनते, एक मिनट भूनेंगे और हम इसको हमारी प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। फिर तब हमारा इसको डाल देते हैं। ये हमारे बिल्कुल हमारी लौकी की मिठाई बिल्कुल ना ठंडी हो गई है। अब हम ना इसके लड्डू से बनाएंगे, हम ना लड्डू बनाएंगे। इस तरह हमने इसमें भरा, इस तरह के आप ले लें या कोई कागज़ की ले लें, मर्जी है। इस तरह के हमने भरे हमारी ये मिठाई है ना। ये देखिए इस तरह के हमने मिठाई बनाई, ये मिठाई है ये हमारी। इस तरह के हमने इसमें डाली, बेशक आप इस तरह करके इसको निकाल भी सकते हैं। अब इसी के ऊपर ये ना हमने ये ना पिस्ते डालेंगे, ये बस ये बहुत मज़े की मिठाई बनती है। हम चार मिठाइयाँ सिखाएंगे, बनाऊंगी चार मिठाई, थोड़ी ज़्यादा आप लोग बना सकती है। ईद रेसिपी है, मज़े की है रेसिपी, ईद पे बनाए, झटपट से बनने वाली रेसिपी है। एक अलग तरीके से, एक अलग यूनिक तरीके ये दी। इसी तरह मना हमारी सारी बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम हमारी दूसरी मिठाई बनाते हैं। सबसे पहले हमने चूल्हा जलाया और उसी हमने उसी है ना फ्राई पैन में थोड़ा सा इसमें पकवान तेल डालेंगे, दो चम्मच, ये दो चम्मच हमने पकवान तेल डाला। ये हमारे पास आधी प्याली गाजर है, ये हमने गाजर डाली
और इसमें हमारा दो चुटकी हमारा पिसी इलायची डालेंगे और हम सिर्फ इसके अंदर ना भाई छोड़िए गाजर है, हम इसके अंदर सिर्फ एक चम्मच ना चीनी डालेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह फ्राई करते आधा कप हमने ना दूध डाल दिया। अब हम इसको ना थोड़ी सी देर इतना पकाएंगे ताकि इसका ना कबल के गाजर का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और गाजर भी गल जाए और पानी ये दूध भी है ना हमारा खुशक हो जाए। हम थोड़ी थोड़ी मिठाई बना रहे हैं, थोड़ी ज़्यादा आप लोग बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी रेसिपी है, ईद की रेसिपी है, यूनिक तरीके की रेसिपी है, खाने में भी बहुत मज़े की रेसिपी है। और आप लोग फिर अभी 10 मिनट के बाद है ना गाजर हमारी गल जाती है, जब तक मिलते चूल्हा हल्का कर देते। ये भी हमारे ना बिल्कुल ये देखा गाजर भी गल गई और हमने इसको भून लिया। अब इसी के अंदर ये ना हम एक चम्मच ना खोया डाल देंगे। अगर आप लोग चाहे तो इसके ना लड्डू भी बना सकते हैं, बर्फी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको ना ये कप में ही डालूंगी। ये भी हमारे बिल्कुल तैयार है, अभी हम इसको ना प्लेट में डाल लेंगे ताकि ठंडी हो जाए ना, जब तक ठंडी होता है उसके बाद मिलते हैं। ये हमारे बिल्कुल ये ठंडे हो गए गाजर का मिक्सर, इसको भी हम इसी में डाल लेंगे। इतनी मज़े की बनती है ये मिठाइयाँ ईद पे, तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी बनती है। अब इसी के ऊपर है ना हम बादाम डालेंगे, इस तरह हम दूसरी बना लेंगे हमारे। इस तरह हम सारे हमारे डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम हमारे बनाएंगे तीसरी मिठाई। सबसे पहले हमने एक प्याली हमारे खोया लिया, ये देखिए खोया लिया। अब इसी भी के अंदर ही हमने है ना क्या बोलते हैं ये हमारी 1.5 चम्मच है ना क्या बोलते हैं ये किशमिश है हमने ये डाला और 1.5 चम्मच है ना हमारी ये खोपरा है, 1.5 चम्मच है ना हमारी पिसा हुआ खोपरा है इसको हमने डाल लिया और हमने 2 चुटकी है ना हमने इलायची पाउडर डाला इसमें और इसी के अंदर ये ना हमने ना क्या बोलते बादाम है ना हमने 5-6 बादाम काट के डाल दिए, इस तरह काट लिए और 5-6 है ना हमने पिस्ते डाल दिए। फिर हम इसको अच्छी तरह थोड़ी सी देर मिलाते हैं और हम इसके अंदर ना चीनी पिसी हुई 2 चम्मच डालेंगे, फिर हम इसको मिक्स कर दें। हमारे हमने डिश आउट कर ली, हमारी खोए वाली मिठाई भी बिल्कुल तैयार है। अब हम चौथी बनाते इसको भी हम डिश आउट कर लेते, ये सब सारी चीज़ें फिर दिखाते। मिठाई खजूर, ये हमने खजूर को थोड़ा से इस तरह के ना ब्लेंड करके इस तरह के कर लिए थे ब्लेंड। अब इसके के अंदर ये ना हमने ना क्या बोलते 6 अदद ना बादाम पिस्ते बारीक इस तरह काट लिए थे और 5 अदद हमने ये बादाम काट के डाल दिए थे हमने इसमें, और हम इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ खोपरा डालेंगे। ऑप्शन है आप डालें या नहीं डालें, लेकिन मैं इसको डालूंगी। पिसा हुआ खोपरा डाल दिया। अब इसी के अंदर एक हमारे पास ये आधी प्याली छोटी सी 1 चम्मच जितना हमारे पास मिल्क पाउडर है हम ये डाल देंगे इसमें। अब हम इसको थोड़ा मिलाते हैं। ये हमने हमारी है ना कबलते खजूर की मिठाई भी हमने डिश आउट कर ली है। और अगर मेरी वीडियो ये देखे अभी हम ना इसको ना क्या बोलते गार्निशिंग के लिए ना हम इसमें थोड़ी सी हमारी मिठाई खूबसूरत लगे, क्योंकि हमारी 4 मिठाई है ये ईद स्पेशल की। अभी हम इसके अंदर ना थोड़े थोड़े चांदी के वरक लगाएंगे ताकि इसकी और खूबसूरती में मज़ीद इजाफा बन हो जाए। कितनी आसान सी ये मिठाइयाँ बनाना, बहुत मुश्किल नहीं है, घर में बनाए बहुत अच्छी रेसिपी है।
खूबसूरती में। ईद स्पेशल में बिल्कुल यूनिक तरीके से हमने चार मिठाइयाँ बनाई हैं। चाहे आप इस तरह डिश आउट करें या फिर इस तरह के शेव बना कर दिया, लड्डू की लड्डू बना लें आप लोग, आप लोगों की अपनी मर्जी है। बहुत खूबसूरती है। अभी हम बना इसके अंदर है ना हमारे ये चांदी के वर्क है, हम इसको लगा देते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बहुत आसान से तरीके से बन जाती है मिठाइयाँ घर में। मैंने चांदी के वर्क लगा दिए। ये हमारी खजूर की मिठाई भी बहुत झटपट सी बनने वाली रेसिपी है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन। ईद मुबारक।